हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। तो सेल और कंसाइनमेंट में क्या अंतर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए, या फिर आप अगर होम पे भी हैं तो होम पे भी अगर आप ड्रॉप डाउन करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको आपको इग्नू बीकॉम न्यू का जो है एक सेक्शन दिखेगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इग्नू बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके जिनको सुन करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इग्नू बीकॉम न्यू में आपको जाना है और यहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही 40% डिस्काउंट पे, साथ ही साथ आपको फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिलेंगे। आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको उसका सॉल्व जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जिसको आपको जमा कराने होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देख लेते हैं फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, तो दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो ऑल दो द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बोथ इन द केस ऑफ सेल एंड इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस वेज, है ना। देखो सेल कंसाइनमेंट दोनों में क्या हो रहा है कि आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो। सेल में क्या होता है कि आप बेचते हो, ट्रांसफर हो जाता है। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, कंसाइनमेंट में आप ट्रांसफर करते हो फिर बिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे अंतर भी हैं यहाँ पे, जिसके बारे में हम एक एक करके भी बात करने वाले हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन आउटराइट सेल एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है पार्टीज। अगर यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो वो है हमारा पार्टीज, ठीक है ना। तो सेल में क्या होता है, सेल में दो पार्टी होती है, सेलर और बायर। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, कंसाइनमेंट में भी दो पार्टी होती है पर उनका नाम जो होता है कंसाइनर और कंसाइनी होता है, ठीक है। ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। ओनरशिप किसके पास रहेगी, गुड्स का टाइटल क्या होगा। सेल के केस में क्या होगा, ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ द गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर ऑफ द गुड्स, है ना। जो ओनरशिप होती है वो बायर जो होता है उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि ये सामान किसी के पास था, मैंने उससे उस सामान को खरीद लिया, तो मैं बायर हूँ, तो चूंकि मैंने खरीद लिया, मैंने पैसे दे दिए, तो उसकी जो ओनरशिप है वो मेरे पास आ जाएगी। कंसाइनमेंट में ऐसा होता है बट थोड़ा लेट से होता है। प्रोसेस क्या है पूरा, द लीगल ओनरशिप ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी। जो कंसाइनी के पास लीगल जो एक तरीके से नाम ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि कंसाइनी वो नहीं होता जो कि सामान को खरीद रहा है। कंसाइनी बस एक मीडिएटर है, बीच का आदमी है जो कि आपके सामान को बिकवाने में हेल्प करता है। तो कंसाइनी उस चीज का मालिक नहीं हो सकता, है ना। मालिक जो है वो कंसाइनर है, और कंसाइनी क्या है, सिर्फ मीडिएटर है। मालिक कौन होगा, जो बायर होगा, जो बाय करेगा, है ना। इट रिमेन्स विद द कंसाइनर टिल दे आर सोल्ड, है ना। जब तक कि आपका सामान बिक नहीं जाता, जो उसकी ओनरशिप होती है, गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो हमेशा कंसाइनर के पास होती है, कंसाइनी के पास नहीं होती है, ठीक है ना। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सेल के केस में द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर ऑफ द गुड इज दैट ऑफ अ क्रेडिटर एंड डेटर, ठीक है। सेल के केस में जो रिलेशनशिप होता है बायर और क्रेडिटर के बीच में, एक तरीके से डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो डेटर और क्रेडिटर के का जो है रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे एक आदमी पैसे देता है, फिर दूसरे को पैसा मिलता है, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन हो गया, जो उधार में सामान दिया आपको। डेटर कौन हो गया, जिससे आपको पैसे मिलने हैं, है ना। तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। बट इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, है ना। जो रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी का होता है कंसाइनमेंट के केस में, वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है उसके पास ओनरशिप होती है सामान की, और एजेंट जो होता है वो उसके बिहाफ पे उस सामान को बेच रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। सेलर और बायर का रिलेशनशिप जो है सेल के केस में वो क्रेडिटर और डेटर का होता है, ठीक है। द कंसाइनी इज ऑल इज टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कंसाइनी जो है वो गुड्स को बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। तो रिलेशनशिप भी हो गया। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं अब। तो एक्सपेंसेस के केस में एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड्स आर बॉर्न बाय द बायर। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस
होती हैं सेल के केस में, जो भी एक्सपेंसेस होती हैं सेल हो जाने के बाद, वो सारी की सारी एक्सपेंसेस जो होती हैं वो बायर बेयर करता है, बायर उस चीज का खर्चा उठाता है। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी इन कनेक्शन विद द गुड्स कंसाइन टू हिम आर बॉर्न बाय द कंसाइनर। मतलब सपोज मैं किसी का सामान बेच रहा हूँ, उसके बिहाफ पे मैं किसी का सामान बेच रहा हूँ, तो मेरे तक उस सामान को भिजवाने का जो खर्चा है, या मैं कस्टमर को जब बेचूंगा तो कस्टमर तक ले जाने का जो जितना भी सारा खर्चा होगा, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो पे करेगा कौन? कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनी पे नहीं करेगा। कंसाइनी सिर्फ एक मीडिएटर है जो कि सामान को कंसाइनर के बिहाफ पे बेच रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको एक्सपेंसिस भी समझ में आ गया होगा। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। तो एज फार एज रिस्क इज कंसर्न, रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड इज ट्रांसफर टू द बायर ऑफ ए गुड्स एज सून एज द गुड्स आर सोल्ड। इन द केस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर सेल द लॉस इज सफर्ड बाय द बायर। रिस्क के केस में अगर हम बात करें तो सेल के केस में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो अटैच जो होता है गुड्स के साथ वो ट्रांसफर हो जाता है। जब भी आप अपने गुड्स को बेच देते हो किसी बायर को जो आपके गुड्स को खरीद रहा है, तो इसका जो रिस्क है वो बायर के पास चला जाता है। अगर बायर के पास वो सामान वो चला गया है, मतलब अगर उसने खरीद लिया है और आफ्टर सेल अगर उस गुड्स के साथ कुछ दिक्कत होती है, जल जाता है या चोरी हो जाती है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है, तो उसका जो भी लॉस होगा वो बायर सफर करेगा, है ना। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। कंसाइनमेंट के केस में जो लॉस होता है वो हमेशा कंसाइनर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है गुड्स के साथ अटैच्ड है ना, इसको मैं थोड़ा पहले बोल देता हूँ। रिस्क अटैच्ड टू द गुड्स लाइज विद द कंसाइनर टिल द गुड्स कंसाइंड आर सोल्ड, है ना। जब तक कि सामान बिक ना जाए, उस सामान को कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचाने तक, कंसाइनी के उस सामान को बेचने तक अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके गुड्स के साथ होती है, तो उसका सारा का सारा खर्चा जो है, उसका सारा का सारा लॉस जो है वो कंसाइनर को बॉर्न करना पड़ता है, उसको बेयर करना पड़ता है। इन केस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस बॉर्न बाय द कंसाइनर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो आई होप कि 6 नंबर रिस्क भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स के बारे में। रिटर्न ऑफ गुड्स, सो रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल एज गुड्स वन सोल्ड आर नॉट रिफंडेबल। सेल के केस में जो गुड्स आपने एक बार बेच दिया उसको वापस आप रिफंड नहीं ले सकते हो, रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है सेल के केस में। वेयर एज कंसाइनमेंट के केस में रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल है। गुड्स कैन बी रिटर्न इफ दे आर नॉट सोल्ड बाई द कंसाइनी। गुड्स जो है रिटर्न की जा सकती है अगर कंसाइनी ने उस गुड को सोल्ड नहीं किया है तो, अगर कंसाइनी ने सेल नहीं किया है तो कंसाइनी गुड्स को कंसाइनर को वापस भेज सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने गुड्स को सेल सोल्ड कर दिया तो वो सेल वाला केस में चला आएगा और उसमें आप गुड्स को वापस नहीं ले पाओगे, ठीक है। अकाउंट सेल्स, ये क्या होता है? सो नो अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द बायर टू द सेलर, है ना। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अकाउंट सेल सबमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बायर टू सेलर, जब हम सेल की बात करते हैं। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेल आपको जो है डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करना पड़ेगा कंसाइनी को। किसको सबमिट करना पड़ेगा? कंसाइनर को करना पड़ेगा कि भाई देखो इतना का सामान हम लोगों ने सेल करा है, इतना का सामान हमारे पास अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये सारी जानकारी जो है कंसाइनी को, कंसाइनर को देनी पड़ती है, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, सो द सेलर हैज नथिंग टू डू विद द गुड्स विच कुड नॉट बी रीसोल्ड, है ना। तो यहाँ पे सेल के केस में जो सेलर होता है उसके पास कुछ भी अथॉरिटी या फिर कुछ भी लाइक उसके पास नहीं होता है जिसके कारण से वो जो है कुछ कर सके, है ना। अगर कोई सामान उसका नहीं बिक रहा है तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। द सेलर हैज नथिंग टू डू विद द गुड्स विच कुड नॉट बी रीसोल्ड, जिस गुड्स को दोबारा नहीं बेचा जा सकता उसका, उससे सेलर का कोई लेना देना नहीं रहता है। बट कंसाइनर के केस में ऐसा नहीं होता। अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी विल बी ट्रीटेड एज अ स्टॉक ऑफ द कंसाइनर। कोई अगर गुड्स अनसोल्ड रह जाता है कंसाइनमेंट के केस में, तो वो जो कंसाइनमेंट जो जो गया था कंसाइनी के पास, वो अनसोल्ड गुड्स के रूप में कंसाइनर जो है वो रिकॉर्ड करके रखेगा कि इस कंसाइनी को मैंने सामान बेचा था और सामान जो है अभी तक बिका नहीं है, बेचा था नहीं भेजा था, ठीक है ना। तो ये 8 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की है सेल और कंसाइनमेंट में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।